एक सुनहरा सपना देखती है। पापा पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती। अरे वाह बेटी, मुझे तुम पे गर्व है। आज ही सुनती हो तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। वाह बेटा, पर उसके लिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं मन लगा कर पढ़ाई करती हूँ और बहुत मेहनत करूँ। हमें तुम पे नाज है बेटा। और फिर कड़ी मेहनत और वर्षों की पढ़ाई के बाद उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। पापा, मम्मी, मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। देखा मैंने कैसी थी, मेरी बेटी डॉक्टर बन के दिखाई दी। मुझे तुम पे गर्व है बेटा, मैं चला मोहल्ले में मिठाई बांटने। लेकिन उसका सपना यहाँ पूरा नहीं होता, क्योंकि वे एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी। तो उसने पीजी की तैयारी की और वहां भी उसको एक अच्छा कॉलेज मिल गया। अब वह पूरी जिम्मेदारी से अपना काम अस्पताल में कर रही है। पूरे दिन मरीजों की सेवा के बाद शाम को जब वह आराम करने गए, तब उसके साथ एक दर्दनाक घटना हुई। कोई नहीं आया। वह डॉक्टर जिसने अपना हर एक क्षण लोगों की सेवा में दे दिया, उस समय उसकी सहायता करने कोई नहीं आया। एक मदद की पुकार जो दबा दी गई, एक गरिमा जो टूट गई। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। क्या अब हम उस जगह भी सुरक्षित नहीं हैं, जहां पर लोग हमसे उनकी जान की सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं? सर प्लीज, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। सर प्लीज, मेरी फ्रेंड को प्लीज, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। सर प्लीज, पहले जाके रिपोर्ट लिखवाओ। प्लीज प्लीज सर, पहले जाके रिपोर्ट लिखवाओ। पहले कोई कागज की कार्रवाई होगी, उसी के बाद कोई कार्रवाई होगा। अरे जा, इनकी रिपोर्ट लिखो। रोज आते हैं ऐसे केस। सर प्लीज, आप में अपना काम दिखाएंगे। जाइए यहाँ से। शुरुआत होता है आरोपों के खेल का और पीड़िता अकेली छोड़ दी जाती है उस समाज द्वारा जिसे उसका समर्थन करना चाहिए था। समाज अपनी आंखें मूंद देता है और फिर दोषी ठहराता है पीड़िता को, न कि अपराधियों को। पता है भाई, मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ है। उस लड़की की गलती रही होगी, नहीं वो छोटे कपड़े पहनती होगी। चरित्र ही ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस चीज के विरोध में सारे समाज को एकजुट होकर सामने आना चाहिए था, वहाँ समाज बट गया। अपने अपने आराम के अनुसार पर सबने अपनी राय बना ली। नेताजी प्लीज, मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। नेताजी प्लीज, मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। आप खड़े हो जाएंगे, शांति रहती है। आपको न्याय अवश्य मिलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। दोषी को सजा अवश्य मिलेगी, आप जाइए। नेताजी ये रोज आ रहे हैं, इनके लिए कुछ करना होगा हमें। अरे ऐसे कीड़े मकोड़े रोज आते हैं, इन्हें शांत करो। जाओ, जितने सबूत बचे हैं सब मिटा दो। जो आवाजें उठ रही हैं सब दबा दो। हलचल मचती है तो मचने दो। कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, बसें जलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ कीड़े मकोड़े हैं, थोड़े दिन में शांत हो जाएंगे। सारा कार्यक्रम जैसे के तैसे चलने लगेगा। तुम जाओ और विरोध करो। उसे तेज
नहीं बना सकोगे। हमें चुप नहीं रहना। नोच रहे थे जिस्म सब मेरा, बेरहमी से दबोच रहे थे, फाड़ रहे थे कपड़े मेरे, नाखूनों से मुझे कुरेड़ रहे थे। मैं चीखी भी, चिल्लाई भी, बहुत गुहार लगाई भी, मैं भाग रही थी, वो खींच रहे थे, जमीन पर मुझे वो घसीट रहे थे। वस्त्रहीन में बेहोश पड़ी थी, वो नोच रहे थे, बस नोच रहे थे। कभी डर रही थी, कभी मैं रो रही थी, घबरा के वहीं एक कोने में सिमट रही थी। शर्मसार से मैं नग्न पड़ी थी, उनकी निगाहें मुझे घूर रही थी। मिले हर शख्स को कड़ी सजा, जो हमारे सपने हमसे छीन रहे हैं। अपने हवस के खातिर वो हमें जिंदा लाश की तरह बस छोड़ रहे हैं।